हेलो एवरीवन, कुकू एफएम और ऑडिबल दोनों में से कौन सी ऐप ज्यादा आपके काम की रहने वाली है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटीज है, पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइसिंग का। अब कुकू एफएम की जो प्राइसिंग है वो 199 पर ईयर है, ओरिजिनल प्राइसिंग 399 पर ईयर है, लेकिन कुछ कूपन कोड्स, अभी नई ऐप है तो बहुत सारे कूपन कोड्स मिल जाएंगे जिनको लगाने के बाद 199 पर ईयर, जो कि हो जाता है आपका 17 से 18 रुपए पर महीने। ऑडिबल की प्राइसिंग भी है 199 लेकिन पर ईयर। तो ऑडिबल में हर महीने 199 के साथ आपको एक क्रेडिट मिलता है जिसको यूज करके आप कोई बुक खरीद सकते हैं, चाहे वो ऑडियो बुक 4000 रुपए की है या 2000 की या 200 रुपए की है। आप कोई भी एक बुक सिर्फ एक क्रेडिट में खरीद सकते हैं। हर मंथ आपको अपने सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ एक क्रेडिट मिल जाए। अगर आप कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितनी भी स्टोरी बुक्स हैं या फिर यहाँ पे कोर्सेस हैं, समरीज हैं बुक की, पॉडकास्ट वगैरह, सभी आपको अनलॉक हो जाएंगे सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन से। ऐसा नहीं है कि यार आपको हर बुक के लिए अलग से क्रेडिट पे करने पड़ रहे हैं या फिर अलग से प्राइस पे करना है। भाई ऑडिबल में हर बुक आपको सब्सक्रिप्शन के बाद में भी हर बुक आपको खरीदनी पड़ेगी इंडिविजुअली। ऑडिबल जो वो अमेजोन का है, आपके प्राइम अकाउंट से लिंक होता है, लेकिन प्राइम सब्सक्रिप्शन के साथ में आपके ऑडिबल नहीं आता। ऑडिबल की मेंबरशिप आपको अलग से लेनी ही पड़ेगी। अब ऑडिबल अमेजोन का यार इंटरनेशनल रीच है, उसके पास इंटरनेशनल बुक्स हैं, हर जगह की बुक्स वगैरह आती है। जो भी अगर कोई मान लो ऑडियो बुक बनाने वाला, तो ज्यादा चांसेस ज्यादा से ज्यादा कि वो ऑडिबल पे सबसे पहले आएगी। वही कुकू एफएम एक इंडियन ऐप है तो थोड़ी इंडियन फोकस ज्यादा, इंटरनेशनल बुक्स है लेकिन उनकी ज्यादातर बुक्स की थोड़ी समरी है, कुछ बुक्स जो है फुल है और समरी काफी अच्छी है। ऐसा नहीं है कि यार समरी है तो 10 मिनट 15 मिनट में खत्म हो गई, अच्छी खासी 2.5 से 3 घंटे की समरी इजीली मिल जाती है। हर चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया समरी में भी। कंटेंट में ऑडिबल ज्यादा आगे निकल जाता है, उसमें बहुत सारी बुक है। कुकू एफएम के मुकाबले बहुत ज्यादा बुक्स हैं, बहुत ज्यादा हर लैंग्वेज में आपको ऑलमोस्ट मिल जाएंगी, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग राइटर की, इंटरनेशनल नेशनल सारी बुक्स मिल जाएंगी। वही कुकू एफएम जो वो नई ऐप है तो धीरे धीरे उनका कैटलॉग बिल्ड होगा और भी ज्यादा कॉन्टेंट आएगा धीरे धीरे, जैसे लोग और अपलोड करेंगे। जैसे कई सारी इंग्लिश की बुक्स हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड है, उसकी बुक है जो मैं करंटली सुन रहा था, इससे पहले द कंपाउंड इफेक्ट थी वो मैं कुकू एफएम पे सुन रहा था। ऑडिबल भी मैंने यूज किया जहाँ पे मैंने एटॉमिक हैबिट या फिर द साइकोलॉजी ऑफ मनी ऐसी बुक मैंने ट्राई की है जो कि इंग्लिश में थी, वहीं कुकू एफएम मैंने हिंदी में ट्राई की है। ऑडिबल की क्वालिटी भी काफी अच्छी, कोई भी बुक है उसमें पूरी बुक होती है। अब अगर आपको इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश में आपको अच्छे समझ में आता है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ऑडिबल हो जाता है। 199 में कुकू एफएम जो फुल ईयर मिल रहा है हमें, और 199 में जो अमेजोन है वो एक साल के लिए मिल रहा है, और यहाँ पे एक क्रेडिट मिलेगा जो एक बुक मान लो फ्री में मिल रही है, इसके अलावा इंडिविजुअल बुक्स आपको खरीदनी पड़ेंगी। अब दोनों ऐप यूज कैसे करनी है, कुकू एफएम की बात करें, उनकी ऐप है एंड्रॉइड iOS दोनों पे अवेलेबल है। आप लॉग इन कर लोगे, सिंपली आपको सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा 199 रुपीज का, जो कि ओरिजिनल प्राइस 399 है, डिस्काउंट के साथ 199 का पड़ेगा आपको एक साल का। आप सब्सक्रिप्शन लेने के तुरंत बाद आपका सारा कंटेंट अनलॉक हो जाता है, कोई भी बुक, कोई भी स्टोरी, कोई भी पॉडकास्ट, कोई भी कोर्स डायरेक्टली ऐप से सुन सकते हो। ऐसा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली फोन नंबर से लॉग इन कर सकते हो, गूगल से लॉग इन कर सकते हो। ऑडिबल में सिंपली आपका जो अगर अमेजोन का अकाउंट है तो आप उससे लॉग इन कर सकते हो। अब उसके बाद आपको अलग से ऑडिबल की सब्सक्रिप्शन आपने ले ली 199 की, तो आपको बुक्स खरीदनी पड़ेंगी। अगर आप iOS में और एंड्रॉइड में दोनों में ऐप अवेलेबल है, लेकिन अगर ऐप में से बुक्स नहीं खरीद सकते, अब बुक खरीदने के लिए आपको audible.in पे जाना पड़ेगा ब्राउजर में, वहां जाके आप बुक खरीदोगे, उसके बाद ऐप में वापस आके लाइब्रेरी में जाके वो बुक आपकी लाइब्रेरी में आ जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड का फीचर ऑडिबल में भी है, कुकू एफएम में, आप दोनों में ही डाउनलोड करके ऑफलाइन सुन सकते हो, बिना डाउनलोड करे ऑनलाइन भी सुन सकते हो। फीचर्स की बात करें, जो बेसिक फीचर्स हैं, जैसे कि हम ऑडियो बुक सुन रहे हैं, डाउनलोड करने का, ऑनलाइन सुनने का, दोनों फीचर है। साथ में आपने कोई बुक लो थोड़ी सी सुनी है, उसके बाद में आपने अभी मन नहीं कर रहा या फिर आपको कोई काम आ गया, उसके बाद फिर से सुननी है, तो दोनों ऐप्स में कंटिन्यूएशन का फीचर है कि आप जहां पे बुक छोड़ोगे, अपनी ऐप बंद कर दोगे, सिंपली प्ले करोगे तो वहीं से आपकी बुक स्टार्ट हो जाएगी दोनों ऐप्स। कुकू एफएम मेरे को एक और फीचर लगा जिसमें एक स्टूडियो का ऑप्शन है, वहां पे जाके अपनी खुद की वॉइस वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हो, पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हो और उन्हें पब्लिश कर सकते हो, जिनका यूज करके हो सकता है लोगों को आपकी पॉडकास्ट वगैरह पसंद है तो आपको भी थोड़ा फायदा हो जाएगा इतनी सारी बुक्स पढ़ने का। कंक्लूजन की बात करें तो पर्सनली मैं दोनों ऐप यूज करता हूँ। ऑडिबल में उन बुक्स के लिए करता हूँ जो कि यार कुकू एफएम पे नहीं मिलती है मेरे को, या फिर कुछ ऐसी बुक्स हैं जो मेरे को इंग्लिश में मेरे को लगता है ज्यादा अच्छी रहेंगी, तो या इंटरनेशनल बुक्स, उनके लिए मैं ऑडिबल का यूज करता हूँ। अदरवाइज यार मेरे को थोड़ा हिंदी में मेरे को ज्यादा फोकस हो पाता है। अगर कोई बुक कुकू एफएम पे अवेलेबल है एज ए समरी अवेलेबल है, वो भी मैं सुन लेता हूँ कि यार उससे थोड़ा टाइम बच जाता है और बुक की पूरी लर्निंग्स है वो भी पता चल जाती है। अब जो कुकू एफएम को मेरा मेन पॉइंट क्या है यार ज्यादा यूज करने का, वो है प्राइसिंग। 200 रुपए में मेरे को पूरा साल मिल जाता है, लगभग 18 रुपए पर मंथ मेरे को पड़ रहा है, वही मेरे को 200 रुपए एक महीने का देना पड़ेगा ऑडिबल में। दोनों ही ऐप्स में आपको हिंदी में भी बुक्स मिल जाती हैं, ऑडिबल में जिन बुक्स का हिंदी वर्जन है वो आपको मिल जाएगा, कुकू एफएम में हिंदी में भी मिल जाएंगे, वही आपको दोनों में इंग्लिश में भी मिल जाता है। लैंग्वेज का ऐसा इशू नहीं आएगा
जो बुक्स अवेलेबल हो आपको मिल ही जाएंगी दोनों ऐप। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।